हाय फ्रेंड्स, आज इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 16:80 और 14:?। और दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, 60 और 64। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं 16 से 80 कैसे आता है और 14 से यहाँ पे क्या आना चाहिए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए 16 और 80 का रिलेशन निकालते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, 16 × 5 होता है 80। वैसे ही अगर 14 × 5 करें होना चाहिए 70, बट अफसोस यहाँ पे 70 ऑप्शंस में नहीं है। तो अब क्या करेंगे, कुछ तिरकम तो लगाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, 16 में से 6 को अगर घटाएं मिलता है 10, और इसमें अगर 8 करें मिलेगा 80। ठीक है, सो 16 से 80 का हमें लॉजिक मिल गया। अब सेम लॉजिक अगर हम 14 के ऊपर भी लगाएं, 14 − 6 कितना होता है 8, और 8 में अगर 8 को मल्टीप्लाई करें क्या मिलना चाहिए 64। तो देखिए 64 हमारे ऑप्शंस में है, मतलब ये लॉजिक, ये वाला जो लॉजिक था वो गलत था, ये वाला लॉजिक हमारा सही है। तो यहाँ पे हमें क्या आंसर मिला, 64। उम्मीद है आप लोगों को ये लॉजिक समझ में आया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन पे प्रेस करने से मेरे सारे फ्यूचर के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।